हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं वेरिएंट 6 के 3.1 में हूँ। इसके बाद लास्ट है विलन, जो कि जॉय फिक्सिट है, और यहाँ पे डेयर डेविल है। तो आप ये वाली लाइन ले सकते हो इजी के लिए, इजी पाथ है। इसमें ब्लीड और पॉइजन आप जितना सामने वाले को दोगे उतना ही तेज़ी से मरेंगे। इनकी पीआई भले ज़्यादा लगेगी दोस्तों, पर आप जब ब्लीड वाले चैम्पियन यूज़ करोगे तो ये काफ़ी कारगर है और बड़ी आसानी से हो जाएगा। तो मैंने तो यही लाइन लिया है, और जैसा आपको ठीक लगे आप वैसा करना। तो दोस्तों, आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया तो प्लीज़ फटाफट कर दीजिए, और आपका सपोर्ट ही चाहिए। चलिए चालू करते हैं और देखते हैं कि डेयर डेविल कैसा है। तो दोस्तों, इसमें भी ब्लीड का काफ़ी ज़्यादा रोल है। नहीं, इसमें ब्लीड का रोल नहीं है दोस्तों। इसमें डैशिंग फॉरवर्ड द अटैकर अटैक रेटिंग इज़ इंक्रीज बाय, अगर आप इंटरसेप्ट करके खेलोगे तो 200% ज़्यादा तेज़ी से डैमेज होगा। अदरवाइज़ दोस्तों, इसमें है 20% चांस है ब्लीड का और 100% चांस है पॉइजन का। तो आपको बड़े ध्यान से खेलना है, ब्लॉक और फॉरवर्ड डैमेज में ध्यान देना है, अदरवाइज़ आपका काफ़ी ज़्यादा हेल्थ जा सकता है। तो दोस्तों, मैं पहले ट्राई कर रहा हूँ हेमडाल से, और देखते हैं ये क्या है। इसके बाद मैं ऐसे तो लेके आया हूँ कोलोसस, पर कोलोसस भी हीरो मोड है। तो दोस्तों, हीरो का यहाँ कोई काम नहीं, आप देख सकते हो। और ये मैं इसलिए लेके आया था क्योंकि सिनर्जी के लिए, पर मेरे से यहाँ कोलोसस भी हीरो है, मैं ये भूल गया हूँ। तो कोलोसस का कोई काम नहीं होगा, सेंटिनल में भी बेटर ऑप्शन होता, पर अब इतना दूर आके वापस पीछे जाने का भी कोई मतलब नहीं है फ्रेंड्स। अनस्टॉपेबल भी हो जा रहा है ये। चलिए वेनम द डक से ठीक ट्राई करता हूँ। दोस्तों, मेरे चैनल को आपने अभी तक लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए। तो आप देख सकते हो दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा असर होता है ब्लीड और पॉइजन का, तो काफ़ी ध्यान से करना होगा आपको इसमें। अब वॉइड ही बचा है मेरे पास, तो चलिए वॉइड को ट्राई कर लेते हैं। मेरे पास कोई भी विलन चैम्पियन नहीं था 5 स्टार 6 स्टार में जो ब्लीड पॉइजन इम्यून हो।
तो ये पहला राउंड है जिसमें मेरे चैंपियन के हो चुके हैं, क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। तो दोस्तों क्लिप्स डालना पड़ रहा है फर्स्ट टाइम, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है। विलन में ब्लीड पॉइजन इम्यूनिटी कोई नहीं है, तो वेनम द डक मेरे लिए सही ऑप्शन लग रहा है, क्योंकि इसके 10 चार्जर हो गए प्रिसिशंस, तो मैं इसे ही लेके जाऊंगा। हाँ, काफ़ी हद तक अच्छा रहा, बट थोड़े से में गलती हो गई। एक बार फिर से ट्राई करते हैं, देखते हैं, शायद इस बार हो जाना चाहिए। ओह शिट यार। तो दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा एडवांस है, प्यूरीफाई कर ले रहा है हर एक चीज। तो इसे लेके काफी तेजी से खेलना होगा। और इसमें हेमडाल की सीनर्जी भी अभी तक तो कोई भी काम नहीं आई है जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, तो ये भी एक काफी ज्यादा डिसएडवांटेज रहा मेरे लिए। दोस्तों ये फाइट सबसे बड़ा जा रहा है, क्योंकि इसमें ब्लीड पॉइजन इम्यूनिटी का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज रहा है मेरे लिए। तो ऊपर से हीरोज भी अलाउड नहीं है, तो ये काफ़ी ज़्यादा डिसएडवांटेज रहा मेरे लिए। तो ऊपर से इसको आप ज़्यादा देर स्टन भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये सब प्यूरीफाई कर दे रहा है अब अपग्रेड होने के बाद, तो उस चीज़ का भी आपको काफ़ी ध्यान देना होगा कि आपको फटाफट मारना है। अगर आप नहीं, तो आपको इंटरसेप्ट करने में ही सही है, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है दोस्तों। आहा,
काफ़ी कुछ चेंज हो गया इसका, इसकी एबिलिटी सब चेंज हो गई बफ के बाद, वरना पहले ही ऐसे नहीं था। चलिए दोस्तों, एक बार फिर से रिवाइव कर लिया है, देखते इस बार, उम्मीद तो यही हो जाना चाहिए। कम ऑन यार, 3% के लिए भी रिवाइव देना पड़ेगा। हेमडाल की सिनर्जी कोई काम की नहीं आ रही है दोस्तों, अगर आप भी हेमडाल की सिनर्जी रखना चाहते हैं तो मत रखना, ये मेरा पहला ट्राई था इतने इसमें, और इसमें नहीं रखना ही बेटर ऑप्शन है। अगर आप हेमडाल की सिनर्जी रख रहे हो तो कोई सिनर्जी आपको नहीं मिल रही है इसमें, तो हेमडाल को यूज़ मत करना। एक हेमडाल और एक मेरा स्कोलोसस के कारण मेरे दो चैम्पियन कम हो गए, तो वो भी मेरे लिए एक डिसएडवांटेज रहा है। तो फाइनली ख़त्म हुआ फ्रेंड्स, अब इसके बाद आखिरी चैप्टर है और फिर मेरा वेरिएंट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों ये था मेरा 3.1 वेरिएंट 6 का। प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए, और जो मेरी गलती हुई है वो आप मत करना, आप इसे देख के सीख सकते हो कि आपको ये चैम्पियन ज़रूरी है ये नहीं है। तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।